वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। दोस्तों तुहाडे सारयां दे सन्मुख एक बड़ी ज्यादा जरूरी मैं बेनती करन लग्या भी जिवें कि तुसीं सब जानदे ही हो भी जो भाई अमृतपाल सिंह ने ते उन्हां दे जिहड़े जथेबंदी दे साथी ने ओह कल तो गायब ने, उन्हां दे बारे किते भी कोई पुलिस स्टेशन विच किते होर कोई खबर नहीं, किसे मान्योग अदालत दे विच उन्हां नूं पेश नहीं किया गया। ते बाकी जो पुलिस बयान दे रही है भी 78 जो लोग ने गिरफ्त दे विच आ चुके ने, भाई अमृतपाल सिंह हले भी भगौड़े ने। पर मैं एडवोकेट इमान सिंह खारा जो वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा लीगल एडवाइजर हाँ, मैनू इस ते पूर्ण तौर ते शक हुंदा है भी एक बंदे दा काफला 6 गड्डियां दा होवे ते उहदे मगर 150 गड्डी दा पुलिस दा काफला होवे, हो नहीं सकदा भी उह बंदा मौके तों फरार हो जाए। बाकी नैशनल मीडिया उपर सोशल मीडिया उपर तस्वीरां आ रही ने, फोटो आ रही ने भाई अमृतपाल सिंह नूं शाहकोट जो थाणा है जलंधर जिले का उत्थे गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हां सारियां चीजां नूं फैक्ट्स नूं मद्देनजर रखदे होए मैं बतौर एक पटिशनर मैं मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक क्रिमिनल रिट पटिशन दर्ज कीती है जिसका नंबर है 2757 ऑफ 2023 जिसका जो नाम है इमान सिंह खारा वर्सिज स्टेट ऑफ पंजाब। इस दे विच असीं मानयोग हाई कोर्ट अगे दरखास्त बेनती कीती है भी जो भाई अमृतपाल सिंह दा राइट टू लाइफ है जो एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमन राइट है खतरे दे विच, पंजाब सरकार ते जो सेंट्रल एजेंसियां ने भाई अमृतपाल सिंह दा फेक एनकाउंटर कर सकदियां ने ते जां जो इस समय जो बीतदा जा रहा है उस दे विच भाई अमृतपाल सिंह दे खिलाफ जो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड जो केसेस ने ओह बनाउण दे लई फॉल्स एविडेंस बनाउण दे लई जो समय यूटिलाइज कीता जा सकदा। साडी जो असी हेबियस कॉर्पस दी रिट पिटीशन है अज संडे नूं जो मानयोग हाई कोर्ट दे विच तत्काली ए दर्ज कीती सी, उस तो बाद जो मानयोग हाई कोर्ट दे जज साहब अगे जो दरखास्त है गई उत्थे जो मेरे वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़ेंग उन्होंने बहस कीती उत्थे पंजाब दे उन्हां दे घरे जो कैंप ऑफिस है जज साहब दा उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने पंजाब दे ओह वी आए, 1.5 घंटा बहस चली। उस तो बाद चो जो जज साहब ने पंजाब सरकार नूं ऑर्डर कर दिता है भी भाई अमृतपाल सिंह दे रिगार्डिंग जिन्ना भी रिकॉर्ड है पुलिस कोल जो भी केस दे बारे ए टू जेड सारी चीज है वह 21 तरीक नूं परसों मानयोग अदालत दे विच पेश कीती जावे। इत्थे सारियां असी मैं जिन्नियां भी संगतां सारे दोस्तां वीर भरावां नूं इह बेनती करदा है भी अपना जिन्हें वकील भरा ने भी आपां आईए अगे जिन्ने सिंघां दे परचे पाए गए ने असी उन्हां सारियां दी जो कानूनी पैरवाई है अदालतां विच करिए। जो अजनाले दे विच मेरे फादर साहब एडवोकेट हरपाल सिंह खारा उन्होंने एडवोकेट परमिंदर सिंह विच अते एडवोकेट रणजोत सिंह भुल्लर गए उत्थे अमृतसर अदालत दे विच एक गल सी भी उन्हां नूं पेश करना है कुछ जथेबंदी सिंघां नूं, पर उन्हां नूं जाण बुझ के उत्थे नहीं पेश कीता गया, उन्हां नूं बाबा बकाले पेश कीता गया। ता पुलिस अजिहियां कोजियां चालां चल रही है भाई साहब नूं गिरफ्तार कीतिआं नूं भी सानूं लगदा है यकीनी तौर ते 24 घंटिआं दे उपर समा हो चुक्या पर कोई ना मैनूं एडवोकेट नूं ते ना ही जो कोई परिवारक मैंबर है किसी नूं कोई इंटीमेशन दित्ती गई भाई साहब कित्थे ने। अफवाहां उठ रहीआं ने भाई साहब नूं दिब्रूगढ़ आसाम लै गए ने, कोई आंदा दिल्ली लै गए ने, कोई क्लीयर नहीं हो रहा। जो पुलिस है पंजाब पुलिस ते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इह आपदी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तों मुनकर हो रही है, आदि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो मुनकर हो रही है। ता ए जो असी साड़ी यही दरखास्त बेनती सी मानयोग हाई कोर्ट दे अगे भी भाई अमृतपाल सिंह दा जो राइट टू लाइफ है वह सुरक्षित रहे, जो भी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करनी है आपकी करन, पर करन जो मानयोग अदालत के ऑब्जरवेशन अंडर उन्होंने जो अदालत के अगे जो इलाका मजिस्ट्रेट ने साहब ने जिथे पर्चा दर्ज होया उन्होंने अगे पेश करन तो बाद सारिया कार्रवाइया होन, एहो मेरिया बेनतियां ने सारे दे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।